तरीके हैं, ठीक है। तो पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल क्रोम या गूगल, तो वहाँ पे सर्च करना है आपको JCECEV, ठीक है, एटना लिख के सर्च करना है, ठीक है। देन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे नीचे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है JCECEV झारखंड गवर्नमेंट .in, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन फ्रंट पे, ठीक है। ये वाली, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है JCEC की। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें देखिए, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है, नोटिस, रिजल्ट नोटिस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं, देन इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, रिजल्ट पब्लिकेशन, जस्ट इस पर आएगा। तो उसमें देखिए जूम करेंगे तो वहाँ पे व्यू ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। इस पर क्या करना है, क्लिक करना है और एक PDF डाउनलोड की फिर, ठीक है। तो देखिए PDF डाउनलोड ऑलरेडी हो गया, तो उसको ऐसे करना है, ओपन कर लेना है। देन ओपन होने में टाइम लग रहा है, देन थोड़ा सा वेट करना है। देन आपका अपना नाम सर्च कर लेना है, अच्छा यहाँ पे रिजल्ट का डेट आया था, कब, अच्छा यहाँ पे नोटिस आया था कब रिजल्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेट दे रखी थी 18 आंसर चीट सब चीज़ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा था। देन वहाँ पे जाना बैक, ठीक है। देन आप जाना है डाउनलोड सेक्शन पे, देखिए यहाँ पे देखिए डाउनलोड सेक्शन है, वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे दो तीन दे रखी है, एलएल कोर्स के लिए PCB, जो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं इसका एक सेपरेट दे रखी है, मैथ वाले को सेपरेट दे रखी है, दोनों का कॉमन दे रखी है। तो आप बायोलॉजी वाले हैं तो इस पर जाएंगे, मतलब यहाँ पे जाएंगे व्यू ऑप्शन पे, व्यू ऑप्शन जाएंगे, बायोलॉजी वाले, मैथ वाले स्टूडेंट, व्यू इस पर जाएंगे, एक PDF डाउनलोड होगी। और दोनों कॉमन का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आपको PCV या मैथ वाला जाएंगे, इस पर जाएंगे। तो हम कॉमन पर जाते हैं और डाउनलोड करते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो रही है, थोड़ी सी वेट करनी होगी, डाउनलोड हो चुकी है, देन आपको ओपन करनी है। देखिए यहाँ पे नेम एंड रैंक, देखिए पहले दे रखिए रोल नंबर, अपना रोल नंबर यहाँ पे सर्च कर लेंगे, सपोज दैट रोल नंबर मेरा कोई सा भी है 5550334, ठीक है। तो वहाँ पे सर्च कर लेंगे आप जो भी रोल नंबर है अपना, क्या है 5530344, और ऐसे सर्च कर देंगे। तो देखिए ऑलरेडी ये ऐसे आ जाएगा सर्च कर देते हैं, ओके। तो ऐसे लिखेंगे, देन आपको सर्च कर लेना है, तो रोल नंबर आपको दिख रहा है, ऐसे आ जाएगा जो भी है आपका। तो अपना नाम देख लेना है जो भी है, देन ऐसे देखिए कितना स्कोर किए हैं, सगा दे रखा है, फिजिक्स वाला सेशन इधर है, केमिस्ट्री वाला सेशन इधर है, रैंकिंग सब दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये फिजिक्स वाला सेशन का मार्क्स है, केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का, एंड टोटल मार्क्स कितना स्कोर किए हैं, रैंक दे रखी है सीएम वाला रैंक, ठीक है ना। देन यहाँ पे कैटेगरी रैंक भी दे रखी है, किसका कौन कैटेगरी की रैंक है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, चलिए दिखाते हैं, फिर से आपको बैक जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट का भी ऑप्शन दे रखी है, ठीक है। तो ये रिजल्ट, तो आपको रिजल्ट भी क्लिक करना है, रिजल्ट भी जाने के बाद यहाँ पे जाना है और देखिए यहाँ पे सर्च कर लेना है, जैसे आप कहाँ गए, ये सेलेक्ट पर क्लिक करना है आपको, प्लीज़ सेलेक्ट, तो प्लीज़ सेलेक्ट में क्लिक करना है, ऐसे क्लिक करना है। देन देखिए यहाँ पे देखा पॉलिटेक्निक का तो नहीं है, आप इंट्रेंस कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन या लेटेस्ट इंटरव्यू यार नहीं, जैसे यहाँ पे दे रखा है डिप्लोमा एंट्रेंस, तो आपको डिप्लोमा वाला नहीं है ना, इंजीनियरिंग वाला नहीं है, और यहाँ पे नहीं दे रखा अभी, तो आप सिर्फ यहाँ पे रैंक दे सकते हैं, बाकी आप स्कोर कार्ड बाद में ऐसे ही ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको अपना रैंक कार्ड देखना है, स्कोर कार्ड देखना है, तो PDF फॉर्म आएगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शन आएगा, बट अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखी है। तो दूसरा तरीका भी अभी नहीं आया, क्योंकि अभी एक दो दिन लगेगा न्यू अपडेट करने में, ठीक है। तो कैसे करना है, देन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि आप अपना रोल नंबर देख के भी ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे था पहले 5033, पहले क्या था, क्या पहले करना है, देन पहले आपको सेलेक्ट करना है कौन सा एग्जाम दिए हैं। तो आप जैसे सी एग्रीकल्चर का दे रखें तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है, देन आपको रोल नंबर नीचे डाल करना है यहाँ पे, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना होगा, ठीक है। देन आपको सर्च करना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, प्रीवियस लेक्चर वीडियो अपलोडेड है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था, देन आप काउंसलिंग का भी डेट देखना होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, तो आपको काउंसलिंग पे जाना है, तो काउंसलिंग पे डेट भी, या फिर काउंसलिंग पे भी मैटर करते हैं, तो काउंसलिंग पे जाइए, तो वहाँ पे अभी आएगा कि जैसे यहाँ पे दिया है BEd कोर्स का काउंसलिंग डेट आ रखी थी PDF फॉर्म में, ठीक है। तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, नोटिस आएगा, देन आपको काउंसलिंग स्टार्ट होगा, फिर आपको होम पे जाना है, और यहाँ पे होम पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है, देखिए यहाँ पे काउंसलिंग किसका किसका चल रहा है, आपको डाउट होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करो, अभी 2023 का दे रखा है, 24 का नहीं दे रखी है, तो देखो सारा 2023 का दे रखी है, जैसे कि 2023 में
GM ANM का दे रखा, BSc नर्सिंग का दे रखा था। देखिए इस तरह से आएगा 2000, ये ऐसा ही आएगा 2024 लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप यदि लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एग्रीकल्चर एडमिशन, इसमें वेटनरी भी आएगा, जितना भी कोर्स है वेटनरी है और एग्रीकल्चर वाला है, फिशरीज वाला है, हॉर्टिकल्चर वाला है एंड फॉरेस्ट्री वाला है, और सारे जो भी कोर्स है इसके अंदर, तो सब एग्रीकल्चर का ही अंदर आता है, इंक्लूड में है, ठीक है। तो बस इस पर जाना है और क्लिक करना है। तो थोड़ा पहले वाला दिखाते हैं, क्लिक करने के बाद क्या आते हैं, ठीक है। देन अभी साइन अप को करना होगा, ठीक है। तो पहले आपको साइन करना होगा, ठीक है। साइन करने के बाद आपको जो भी आई डी होगा तो आपको एग्जिस्ट यूजर भी साइन करना होगा, ठीक है। तो अभी इसके लिए टाइट है, कोई अपडेट अगर फिर आप करेंगे।